हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे किसी व्यूवर ने कमेंट किया है कि सादे एटलस टाइप साइकिल्स के लिए मैंने जो 3 स्पीड चेनरिंग बनाया हुआ है उसे ऑपरेट करके दिखाऊं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने सादे एटलस साइकिल में इस 3 स्पीड चेनरिंग को फिट करके और ऑपरेट करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं और लॉन्ग राइड पर जाना चाहते हैं तो आप इस 3 स्पीड चेनरिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने सिंपल एटलस टाइप साइकिल्स में। सपोज आप 70 किलोमीटर से अबव साइकिलिंग करना चाहते हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो आप ये 3 स्पीड चेनरिंग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस चेनरिंग की खासियत ये है कि आप किसी भी स्लोप पर आसानी से साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आप अपहिल जा रहे हैं तो भी आप आसानी से साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आप डाउनहिल जा रहे हैं तो भी आसानी से साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर स्लोप प्लेन है तो भी आप आसानी से साइकिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 60 टीथ सबसे बड़ा चेनरिंग लगा हुआ है, उसके बाद 52 टीथ चेनरिंग है, उसके बाद 44 टीथ चेनरिंग। अब देख सकते हैं इस 3 स्पीड चेनरिंग को, मैंने पहले वाले चेनरिंग के मुकाबले इसको और लाइट कर दिया है। थोड़ा सा और डिजाइन आप दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा जो एजेस है उनको। ये 44 टीथ है और ये बीच में 52 टीथ और ये 60 टीथ है। अब मैं इसे अपने साइकिल में इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब हम क्वार्टर पिन लगा लेंगे। क्वार्टर पिन को थोड़ा ठोक लेंगे। उसके बाद हम वॉशर डाल देंगे। उसके बाद हम नट को लगा लेंगे। अब मैं बिग बेन पैडल को लगा लेता हूँ। अब मैं चेन को चेन रिंग पर चढ़ा लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने पैडल भी लगा लिया, चेन रिंग भी लगा लिया और चेन भी चढ़ा लिया है। चेन अभी 60 टीथ चेन रिंग पर है, मैं पैडलिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि 60 टीथ चेन रिंग पर जब चेन है तो बिना किसी प्रॉब्लम के पेडलिंग हो रही है। अभी आप देख सकते हैं चेन 60 टीथ चेन रिंग पर है, उसके बाद मैं इसे 52 टीथ चेन रिंग पर लूँगा, उसके बाद 44 टीथ चेन रिंग पर, तब मैं पेडलिंग स्टार्ट करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं चेन 52 टीथ चेन रिंग पर आ चुकी है। अब देखिए, अभी चेन 44 टीथ चेन रिंग पर आ गई है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देख सकते हैं पेडलिंग भी हो रही है। दोस्तों, शिफ्टर आप लेफ्ट हैंड का लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड का शिफ्टर आता है। दोस्तों, अगर रोड काफ़ी ऊंचा हो, आपको चढ़ाई पर चढ़ना है, तब चेन को 44 टीथ चेन रिंग पर शिफ्ट कर लीजिए और पीछे 6 स्पीड गियर पे बड़े वाले स्प्रॉकेट यानी 1 नंबर स्प्रॉकेट पर चेन को शिफ्ट कर लीजिए। इससे आप आसानी से बड़े ऊंचाई को भी चढ़ सकते हैं। और 52 टीथ चेन रिंग पर जब आप शिफ्ट करेंगे और पीछे बड़े वाले पे, तो इससे क्या होता है कि जो स्लोप अगर प्लेन रहे तो वहाँ आसानी से आप साइकिल चला सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको डाउन हिल जाना है, अगर ढलान है, तो आप चेन को बड़े वाले यानी 60 टीथ चेन रिंग पर चेन को शिफ्ट कर लीजिए और पीछे सबसे छोटे वाले स्प्रॉकेट पर शिफ्ट कर लीजिए, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट होगी साइकिल आपकी।
दोस्तों, अगर आप काफ़ी लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, सपोज़ 150 किलोमीटर तक, तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। तो दोस्तों, अगर आपके एरिया में सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन है, यानी कब बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, सिर्फ ऊंचाई ही चढ़ना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। उसका चेन रिंग का कॉम्बिनेशन अलग रहेगा। मेरे कई व्यूवर्स का कहना है कि उन्हें 60T चेन रिंग और 52T चेन रिंग मार्केट में नहीं मिल रही है और ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको 60T या 52T चेन रिंग चाहिए, तो मैं वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इंडियन पोस्ट द्वारा अब तक 60T और 52T चेन रिंग डिलीवर करा सकता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।